हेलो फैमिली एंड हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस नए वीडियो में और आपके अपने यूट्यूब चैनल रिशूज ब्लॉग्स में। आज के इस वीडियो का टॉपिक आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप सब जानना चाहते हैं ना कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं, तो आज मैं आपको यही बताऊँगी कि किन महिलाओं की 100% नॉर्मल डिलीवरी होती है। क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर किसी महिला में है तो उसकी 100% नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, तो कहीं वो आप भी तो नहीं। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियो आप डेली देखना चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा के ऑल पर क्लिक जरूर करें, और आपकी फ्रेंड्स में, फैमिली में और भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें, इससे उनको भी आपके जरिए हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए डिपेंड करती है वो है कि अगर आपकी ये दूसरी प्रेगनेंसी है और आपकी पहली डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब फुल चांसेस हैं कि आपकी ये डिलीवरी भी नॉर्मली होगी। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में अस्थमा की शिकायत नहीं है तो आपकी डिलीवरी में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम पे अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, डिलीवरी के टाइम उनका अस्थमा बढ़ने की भी दिक्कत होती है। इसीलिए जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में अस्थमा की दिक्कत होती है उनकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर आपको भी अस्थमा की दिक्कत नहीं है प्रेगनेंसी में, तो आप भी श्योर हो जाइए कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो डिपेंड करती है वो है आपका वजन। अगर आपका वजन प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, ना तो आप मोटे हैं ना बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कोई परेशानी नहीं आएगी, आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में आपका वजन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका ज़रूरत से ज़्यादा वेट है तो बच्चे को बाहर आने में दिक्कत होती है, वहाँ पे फैट जमा होता है जिस वजह से वहाँ की जगह छोटी हो जाती है और बच्चा बाहर नहीं आ पाता है। तो मोटी जो लेडीज़ होती हैं, मतलब ओवरवेट जो लेडीज़ होती हैं, उनकी फिर डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी करता है। अब जो पतली हैं लेडीज़, तो क्या होता है मतलब कि वो शारीरिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनके अंदर ताकत ही नहीं है, वो कैसे पुश करेंगी, कैसे बच्चे को बाहर निकालेंगी, कितनी स्टेमिना लगाएंगी, मतलब वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, तो उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो बच्चे को पुश के जरिए बाहर निकाल पाए। और जो महिलाएं पतली होती हैं उनको डिलीवरी के टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसीलिए डॉक्टर पतली महिलाओं की और बहुत ज़्यादा जो ओवरवेट महिलाएं होती हैं, मतलब अंडरवेट और ओवरवेट दोनों तरीके की महिलाओं की डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी करते हैं। चौथी बात और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए डिपेंड करती है वो है कि आपकी पूरी प्रेगनेंसी में अभी तक कोई भी कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर ने नहीं बताया है, आपको कभी नहीं बोला है कि आप रेस्ट करें अपनी प्रेगनेंसी में, तो भी आप खुश हो जाइए, आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर आपके 1 से 9 महीने डॉक्टर ने बोला है कि आपको कॉम्प्लिकेशन है, आप बेड रेस्ट कीजिए, जैसे कि कॉम्प्लिकेशन में क्या आता है, मोस्टली प्लेसेंटा प्रीविया, या आपको शुरुआती टाइम से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बताया है, तो इस सिचुएशन में भी आपकी सिजेरियन डिलीवरी होगी। बच्चे ने जन्म की सही पोजीशन नहीं ली है तो भी सिजेरियन डिलीवरी होगी। गर्भ में अगर बच्चे का सही विकास नहीं हुआ है, बच्चे का वजन कम है, तो भी सिजेरियन डिलीवरी होगी। मतलब सिजेरियन डिलीवरी होने के बहुत से कारण होते हैं। तो 100 की सीधी बात यही है कि आपकी प्रेगनेंसी में अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इसके बाद 5वीं चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, कि अगर आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी फिजिकली एक्टिव रही हैं तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि जब आप पूरी प्रेगनेंसी फिजिकली एक्टिव रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, घर के छोटे मोटे काम, थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा या थोड़ी बहुत वॉकिंग वगैरह, अगर आप कंफर्टेबल हैं पूरी प्रेगनेंसी और आपका ये कंटिन्यू रहा 1 से 9 महीने, तो भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, आसानी से हो जाएगी, क्योंकि फिजिकली एक्टिव होने से आपकी पेल्विक एरिया की जो मसल्स होती हैं वो भी फ्लेक्सिबल हो जाती है, मतलब लचीली हो जाती है, उनमें लूजनेस आ जाती है, जिस वजह से बच्चे को लास्ट टाइम पे मतलब डिलीवरी के टाइम बाहर आने में आसानी होती है। लेकिन अगर आपने पूरे 9 महीने तक कोई भी एक्टिविटी नहीं की है, आप ज़्यादा आलसी रहे हैं, ज़्यादा आपने बेड रेस्ट किया है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत कम चांसेस
होंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप भी अपनी पूरी प्रेगनेंसी में फिजिकली एक्टिव रही हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, वो है अगर आपका बीपी नॉर्मल है, हाई बीपी की दिक्कत आपको नहीं है, आपका शुगर लेवल नॉर्मल है, और साथ में आपका जो हीमोग्लोबिन है, आपके शरीर में जो खून की मात्रा है मतलब, वो सही है, ये तीनों चीज़ें ही बढ़िया हैं, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी तो हो ही जाएगी, फिर तो कोई मना ही नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, आपका शुगर लेवल हाई रहता है, आपका हीमोग्लोबिन, आपका HB मतलब कम है, तो फिर ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी आती है, कॉम्प्लिकेशन आते हैं। सो आपने ये सारे लक्षण जान के समझ लिया होगा, अच्छे से जान लिया होगा कि आप इनमें से क्या क्या करती हैं और क्या क्या आपके अंदर नॉर्मल है, तो थोड़ी सी टेंशन भी आपकी ख़त्म हुई होगी जो आप लेके बैठे होते हैं कि पता नहीं मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं, क्या दिक्कत है ये वो, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। सो वीडियो को एक जल्दी से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो घंटी है उसको दबा के ऑल पर क्लिक जरूर करें, और हमारा बेबी केयर चैनल भी है उसको भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें। लिंक मैंने चैनल का वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे का भी ध्यान रखिए, हेल्दी खाइए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।